वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर हिजारुद्दीन। और आपके लिए मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और हॉट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन स्पेशली बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कितना इजी वे में करना है हमें। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे स्टेप्स लिखना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ ए बी एंड सी बी द रेस्पेक्टिव सम्स ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म। पी टर्म का सम किसके बराबर है, ए के बराबर। क्यू टर्म का सम किसके बराबर है, बी के बराबर। और आर टर्म का सम किसके बराबर है, सी के बराबर है। देन शो दैट अपने को क्या शो करना है, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू और आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, ये ए अपॉन पी है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो देखिए ए अपॉन पी, तो डेफिनेटली अगला क्या आएगा, बी अपॉन क्यू, फिर अगला क्या आएगा, सी ए बी सी सी अपॉन आर। यहाँ क्यू माइनस आर है तो अगला आर माइनस पी, अगला क्या आएगा, पी माइनस क्यू। ये थोड़ा सा सीक्वेंस को माइंड में रखिए, तब आपसे ये गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पहले सम का फॉर्मूला बताइए। सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, और यहाँ पर ये कौन है, ये सम है। पी टर्म का पूरा क्या है, ये सम है। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहला डाउट जो है, सबसे पहला जो गलती होने का स्टेप है वो यही है कि यहाँ पर ए ले लेते हैं, लेकिन ए तो यहाँ पर दे रखा है पहले से। ये फर्स्ट टर्म है और ये कौन है, पी टर्म का सम है। ये पी टर्म का क्या है, सम है। तो यहाँ पर आप स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए और डी की जगह स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी ले लेंगे। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा लिखने में इश्यू आता है बच्चों को, लेकिन वो इश्यू अब आएगा नहीं। देखिए कैसे, आपको पी टर्म का सम कितना दे रखा है, ए। क्लियर? और क्यू टर्म का सम कितना दे रखा है, बी। और आर टर्म का सम कितना दे रखा है, सी। क्लियर? तो बताइए पी टर्म का सम किसके बराबर होगा, पी बाई टू, ये है ना एन बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन, एन माइनस वन तो पी के लिए पी माइनस वन इंटू डी। क्लियर? जैसे मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ आप बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टेप्स लिखना, अदरवाइज आप बहुत लेंदी कर देंगे इसका आंसर और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्लियर? क्यू टर्म का सम तो q बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। चलिए सिमिलरली बताइए r टर्म का सम, r बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो ये p टर्म का सम ये हो गया, ये किसके बराबर है, a के बराबर, ये किसके बराबर है, b के बराबर, ये किसके बराबर है, c के बराबर। क्लियर? ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब थोड़ा सा इसको देखिए कि अपने को क्या लाना है, a अपॉन p लाना है। तो a अपॉन p यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से सेट बना देंगे ये पूरा। ठीक है, अब सेकंड सेट के अंदर अपने को क्या करना है, ए अपॉन पी लाना है। तो पी को इधर लाएंगे, टू को इधर लाएंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, टू ए अपॉन पी। ये देखिए आप इक्वेशन नहीं डालेंगे, वन टू थ्री, इसको सेट वन डालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेट वन, सेट वन से क्या चेंजेस करना है, अपने को ए अपॉन पी लाना है। तो ए अपॉन पी लाने के लिए टू से इधर मल्टीप्लाई, पी से डिवाइड, तो कितना हो गया, टू ए अपॉन पी किसके बराबर आएगा, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। राइट? वेरी गुड। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2b अपॉन q इज इक्वल टू किसके बराबर, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखिए कितना सिंपल होता जा रहा है ये। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2c अपॉन r इज इक्वल टू 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये हो गया दूसरा सेट। बराबर? समझ में आया, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम। बराबर? चलिए वेरी गुड। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने सभी का सम लिख दिया और यहाँ अरेंज कर दिया इसकी फॉर्म में, ए अपॉन पी की फॉर्म में। टू का टेंशन ना ले, टू अपने आप हट जाएगा वहाँ से। क्लियर? अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने को ए अपॉन पी के साथ कौन लाना है, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर लाना है। और बी अपॉन क्यू के साथ क्या लाना है, आर माइनस पी लाना है। क्लियर? और सी अपॉन आर के साथ कौन लाना है, p माइनस क्यू लाना है। कौन लाना है, p माइनस क्यू। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड फर्स्ट वाले में बराबर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, q माइनस आर से। इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r माइनस पी से। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, p माइनस क्यू से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे,
अब इसको इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थर्ड, बराबर। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन को आप एग्जाम में भी ऐसी लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू माइनस आर से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस पी से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी माइनस क्यू से। देखिए ये लिखने का सबसे स्वीट एंड शॉर्ट तरीका है, अगर आप अपने तरीके से जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये, क्लियर। तो देखिए कितना हो गया ये, इसको आप सेट टू ही डालेंगे और ये इक्वेशंस डाल देंगे इसके अंदर, तो ये कितना हो गया, टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू टू ए प्लस, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्यू माइनस आर पी माइनस वन इंटू डी। चलिए अब सेकेंड वाला, टू बी अपॉन क्यू, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आर माइनस पी से, तो ये हो गया आर माइनस पी इंटू टू ए और आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, क्लियर। लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू सी अपॉन आर का मल्टीप्लाई किससे, पी माइनस क्यू से, और यहाँ कौन हो गया, p माइनस क्यू इंटू टू ए प्लस पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई किससे, r माइनस वन इंटू डी से, ये हो गया सेट थर्ड, बराबर। नोट कर लीजिए यहाँ तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप इस सेट टू को क्या करेंगे, एडिंग वर्टिकली इनको वर्टिकली आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इधर से हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर, और कौन हो जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू, देखिए वर्टिकली हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए इन सभी में कौन कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो कौन बचेगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, यही तो बचेगा, ठीक है, ये q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू प्लस इन सभी में से d कॉमन ले लो, कौन कॉमन ले लो, d, तो कौन बचेगा, q माइनस आर पी माइनस वन आर माइनस पी क्यू माइनस वन पी माइनस क्यू आर माइनस वन इंटू डी, क्लियर, इक्वल टू। अभी लेफ्ट साइड को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, स्पेस नहीं है और ज़रूरत भी नहीं लिखने की, उसे बाद में लिख देंगे। तो देखिए q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ये हो गया 2a इंटू ज़ीरो प्लस ये वाला ब्रैकेट, देखिए ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई देखिए, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू और प्लस पी, अब इसका मल्टीप्लाई, प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस वन इंटू डी। अब देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू 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 किधर गया भैया, किधर गया, अच्छा क्यू बन गया, क्या आएगा, क्यू आर के बाद क्यू आएगा, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पी आर से पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये नंबर ज़ीरो हो गया प्लस ये नंबर ज़ीरो हो गया, तो कुल मिलाकर किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में टू कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, टू मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ,
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए लोगों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।